नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यूनिट संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट संख्या 4 में जो अपना चैप्टर है बाजार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट या बाजार का ढांचा, आपके इस 4th यूनिट में संपूर्ण जो चैप्टर हैं वो मार्केट से हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम मार्केट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार, एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में हम इस यूनिट संख्या 4th में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट क्या होता है, मार्केट की हम बात करें बाजार की, तो बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी वस्तु का होना या विद्यमान होना पाया जाता है। उसमें अनेक क्रेता होंगे, अनेक विक्रेता होंगे, उस वस्तु का मूल्य होगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी, वह क्या कहलाएगा, बाजार कहलाता है। बाजार में जो भी व्यक्ति है किसी वस्तु को बेचता है, उसका मेन उद्देश्य वस्तु को बेचने से लाभ प्राप्त करना होता है, कि अपनी लागतें, न्यूनतम लागतें पर अधिकतम उत्पादन करके उस वस्तु को क्या करना है, बेचना है। बाजार संरचना या बाजार कहलाता है। बाजार में मुख्य रूप से हम बात करें कि कोई भी फर्म कितना उत्पादन करे, उसे किस मूल्य पर बेचें, इन दोनों बातों का निर्धारण ही बाजार संरचना कहलाती है। बाजार संरचना को जो बातें प्रभावित करती हैं वो प्रमुख बातें हैं, जिसमें पहली है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप और वस्तु की भिन्नता। क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम है या क्रेता या विक्रेता एक दूसरे के कितने निर्भर हैं, ये बाजार की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से बाजार की हम संरचना की बात करें, तो हमने पहले बाजार के बारे में जाना कि बाजार वह स्थान है जहां अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, वह बाजार में वस्तु या मूल्य या स्थान तथा समय या प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, बाजार कहलाता है। तो हमने क्या चीजें निकाली निष्कर्ष रूप से बात करें, एक तो बाजार में क्या होंगे, अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता। एक बात है। दूसरा, बाजार में क्या होगा, वस्तु का विद्यमान होगा। तो तीसरी बात क्या होगी, उस वस्तु का मूल्य। चौथा, उस वस्तु का स्थान। और पांचवा, बाजार में क्या पाई जाएगी, प्रतिस्पर्धा। तो ये जो फैक्टर हैं बाजार की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। तो स्थान, क्रेता विक्रेता, वस्तु, मूल्य, स्थान या समय, बाजार कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसी क्रम में बाजार संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाजार संरचना या बाजार के प्रकारों की हम बात करें, तो इसको मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है, मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसमें हम अगले वीडियो में या फिर जो अलग अलग चैप्टर वाइज हम इनका अध्ययन करेंगे यूनिट संख्या 4th के अंदर। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा है
अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और तीसरे हम बात करें एकाधिकार मोनोपोल। इस प्रकार से बाजार की तीन संरचनाओं में विभाजित किया है। जैसा कि हम जानते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता को हम इम्परफेक्ट को क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी कहते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक मार्केट और अल्पाधिकार, ये इसके प्रकारों में आता है, अल्पाधिकार, तीसरा है द्वैयाधिकार जो कि आपके ये द्वैयाधिकार आपके कोर्स में नहीं है, ओलिगोपोली। तो इस प्रकार से मार्केट की संरचना में पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है, जिसमें एकाधिकारात्मक में विभेदात्मक एकाधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक चैप्टर, एक एक लेसन आपके कोर्स में है इनसे संबंधित, और इनसे संबंधित आपके विश्वविद्यालय में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल एवं दीर्घकाल में किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण किया जाता है, इसी प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारात्मक बाजार से आप क्या समझते हैं, इसमें मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसी प्रकार अल्पाधिकार विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। एकाधिकार के अंतर्गत भी कई बार आपके एग्जाम में इनसे इन दोनों में अंतर ही पूछ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एकाधिकार में क्या अंतर है, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार इनकी विशेषताएं भी पूछ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए, एकाधिकार बाजार की विशेषता बताइए, इसका मूल्य उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यह तो बात होगी बाजार की संरचना की, अब इसकी हम प्रत्येक की एक एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि विस्तृत अध्ययन हम एक एक चैप्टर वाइज हम इनका अध्ययन भी करेंगे अगले वीडियो में, जो कि प्रत्येक चैप्टर वाइज आपके यूनिट संख्या 4 में मार्केट से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको 1 प्रश्न करना होता है जो 20 मार्क्स का होता है। तो हम बात करें यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, और इसमें अल्पकाल एवं दीर्घकाल मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो अल्पकाल में 3 स्थिति सामने आती हैं, असामान्य लाभ होगा या सामान्य लाभ या हानि, और दीर्घकाल में क्या होगा, क्या तो सामान्य लाभ होगा क्या असामान्य लाभ या हानि, तो सामान्य लाभ या असामान्य लाभ की स्थिति ही इनमें पाई जाती है दीर्घकाल के अंतर्गत। अब हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक एक चैप्टर वाइज। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें क्या होंगे, अनेक क्रेता होंगे और अनेक क्या होंगे, विक्रेता। मैनी सेलर्स और बायर्स होंगे, और किसी वस्तु का इसमें विद्यमान होता है, परंतु वस्तु क्या होगी, समान होगी, मूल्य भी क्या होगा, समान होगा, और स्थान का विद्यमान इसमें होगा, तो वो हो क्या कहलाया जाएगी, स्थान व प्रतिस्पर्धा किसी वस्तु में पाई जाएगी, वो कौन सा बाजार कहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट सम्मिलित हैं, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, नोकिया, सैमसंग,
जो भी, जो कि वहाँ पर आप जहाँ भी कोई भी स्थान में आप जाओगे तो उसकी सेम सिमिलर प्रोडक्ट आपको होगा, वस्तु का मूल्य भी क्या होगा, समान होगा, और परंतु अनेक क्रेता अनेक विक्रेता और प्रतिस्पर्धा पाई जाएगी, वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। इसका हम भी चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे कि अल्पकाल में कौन सी स्थिति होगी, जिसमें अल्पकाल में हम बात करेंगे तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वह सामान्य लाभ, सामान्य लाभ वह हानि, और दीर्घकाल में वह सामान्य लाभ की स्थिति में आ पाएगा। तो यह है पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत पाई जाती है। अब बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता, सेम है परंतु इसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होंगे, वस्तु का मूल्य समान होगा, परंतु वस्तु का मूल्य समान परंतु थोड़ी सी वस्तु में क्या पाई जाएगी, विभेद पाया जाएगा, थोड़ी सी वस्तु में क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। इसलिए इसे अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं। और अब हम बात करें मोनोपोली की, एकाधिकार मार्केट की। मोनोपोली एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें अकेला क्या होगा, विक्रेता होगा, क्रेताओं की संख्या अनेक होगी, वस्तु क्या होगी, एक होगी, क्योंकि वो है वस्तु। जब मोनोपोली में जब हम बात करें तो वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति विशेष के पास वह वस्तु उपलब्ध होगी, जैसे बिजली का प्रोडक्ट, बिजली है, जल है, ये इन अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं इसकी मोनोपोली, परंतु इसमें वस्तु का मूल्य भी अलग अलग होगा, ग्राहकों से अलग। इसलिए एकाधिकार का हम बात करें, विभेदात्मक एकाधिकार की, तो विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत भी क्रेता विक्रेता होंगे, वस्तु विभेद पाया जाएगा, मूल्य विभेद भी इसमें होता है, तो वो विभेदात्मक एकाधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम ये मार्केट की संरचना है, तो इस मार्केट की संरचना में हम क्रमबद्ध या फिर निरंतर वीडियो के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारात्मक बाजार और अल्पाधिकार एकाध मोनोपोली, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मार्केट की संरचना, उसकी स्ट्रक्चर, उसके ढांचे के बारे में जाने कि मार्केट क्या है और मार्केट के कितने प्रकार होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो हम इस प्रकार से मार्केट की स्ट्रक्चर व संरचना के बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन किया, और भी अल्पाधिकार है, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक मार्केट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बाजार संरचना के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम किसे कहते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो हम पढ़ेंगे कि मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग टाइम में। तो हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, और किस प्रकार से मूल्य का डिटरमिनेशन करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में आपके लिए पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है अल्पकाल और दीर्घकाल में, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का प्रश्न पूछा ही जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में और दीर्घकाल में लागत और आगम उत्पादन में किस प्रकार से उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।